हेलो फ्रेंड्स मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूं दो वीडियो हमने बनाई है इसमें मैंने आपको मार्केट का ओवरव्यू देखिए जब मार्केट लगातार गिरती रहती है ओके तो जब प्रॉफिट जब प्रॉफिट लॉस में बदल जाता है पोर्टफोलियो नेगेटिव में आ जाता है सबके मन में एक घबराहट होती है स्पेशली उनके मन में जो यहाँ पर मार्केट में नए हैं उन्होंने जिस ये इस वॉलिटाइल वॉलिटिलिटी को नहीं देखा है तो इसलिए तो कुछ वीडियोस के जरिए मैं कोशिश करता हूँ कि आपको सिखा सकूँ कि आपके पोर्टफोलियो में नहीं दिग्गज इन्वेस्टर्स है उनके पोर्टफोलियो भी गिरे हुए हैं और आ,

जानेंगे कुछ फैक्ट्स बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा इन्वेस्ट फॉर एवर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को हिट ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इस तरीके की, की वीडियो आपको डेली बेसिस पर मिलती रहे बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करो और जितना हो सके सीखने की कोशिश करें हमारी वीडियो से और ये नंबर पर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं तो सबसे पहले हम बात करने वाले निफ्टी की निफ्टी 50 आज गिरता हुआ नजर आया तो निफ्टी फिफ्टी गिरा है तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं जब भी निफ्टी फिफ्टी गिरे तो दो इंडेक्सेस ओके दो दो इंडेक्सेस यहाँ पर आप देखा करें सबसे पहले यहाँ पर डो जोन्स का फ्यूचर ओके यहाँ पर डो जोन्स का जब यहाँ पर फ्यूचर देखेंगे तो आपको चीज ये समझ में आएगी कि यहाँ पर जब गिरावट हुई है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं गिरावट यहाँ पर कहाँ पर हुई है यहाँ पर डो जोन्स मतलब अमेरिकन बाजार में हुई है यूरोपियन बाजार में हुई है तो डो जोन्स का फ्यूचर जरूर देखा करें इसके अलावा आप देखा करें एक इंडिया विक्स ओके इंडिया विक्स आप आप देखेंगे तो आपको चीज़ें पता चलेगी कि एग्जैक्टली exactly यहाँ पर हो क्या रहा है कि ये गिरावट असली है ये गिरावट नकली है या क्या है तो देखिए जब मैंने यहाँ पर वीडियो बनाई थी जब ये हमारा मार्केट नीचे के लेवल पे ही था और इंडिया विक्स यहाँ पर ही था उस टाइम मैंने आपको बताया था कि ये लेवल जो ये लेवल है ये डबल टॉप का लेवल है ओके ये काफी इंपॉर्टेंट है अगर ये टूट जाएगा तो यहाँ पर चीजें बेकार हो सकती है निफ्टी फिफ्टी और नीचे आ सकता है बट मोस्टली प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पर चीजें इसे टच करके नीचे आए क्यों क्योंकि ये इसका रेजिस्टेंस लेवल दिखाई देता है तो इस रेजिस्टेंस का ही खेल होता है सारा इस रेजिस्टेंस इस सपोर्ट ओके okay, इन्हीं के ऊपर चीजें बनी होती है पूरा मार्केट इसी के हिसाब से चलता है तो याद रखिए आपको ये चीज सीखने की जरूरत है और वो मैं आपको बहुत जल्दी सिखाऊंगा डोंट वरी तो यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस को टच किया नीचे आया अगेन यहाँ पर देखे तो एक यहाँ पर जंप देखी गई यहाँ पर ओके okay, इसके बाद आज के डेट में भी नीचे से ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया ओके okay, बट जब तक ये लेवल इंटैक्ट है तब तक आपको डरने की जरूरत नहीं है इसके बाद चीजें नीचे ही आ सकती है और नीचे के लेवल की बात करें तो नीचे यहाँ पर जो इनका यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो लेवल है 17 का 17.7 का ये यहाँ पर सपोर्ट की तरह काम करता है वो दिखाई देगा और इसके बीच में अगर जब तक झूल रहा है तब तक झूल रहा है तो ये चीज हमेशा हमें ध्यान में रखनी है तो आज निफ्टी में क्या होता हुआ दिखाई दिया निफ्टी में सेम एज इट इज जो हमने पहले ही सपोर्ट यहाँ पर देखी है, अलग अलग लाइन हमने यहाँ पर खींच रखी है ओके जो ट्रेंडिंग लाइन हॉरिजोनटल लाइन हमने यहाँ पर खींच रखी है उसी लेवल से यहाँ पर चीजें नीचे आती है ओके वो, वो अगर नीचे जाती है तो वो सपोर्ट बनती जाती है ऊपर जाती है तो यहाँ रेजिस्टेंस बनती जाती है तो इसी तरीके से ये रेजिस्टेंस था इस रेजिस्टेंस को देखें यहाँ पर इसने क्रॉस नहीं किया यहाँ पर से चीजें सीधे नीचे आई ओके तो इसे यहाँ पर टच किया यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे टच किया टच करके यहाँ पर नीचे आ गई अब ये कैंडल क्या बन रही है ये कैंडल बन रही है शूटिंग शूटिंग स्टार ओके और जब भी यहाँ पर शूटिंग स्टार इस तरीके की कैंडल बनती है ओके तो क्या होता है यहाँ पर होती है गिरावट ओके यहाँ पर गिरावट की संकेत होती है ओके तो अभी ये कब अच्छा होता है मैं आपको बता रहा हूँ ओके पहली बात तो लाइन के साथ बननी चाहिए लाइन के साथ बन रही है तो यहाँ पर लगातार जब यहाँ पर ये यह लाइन ये यह यहाँ पर बनती है तो याद रखिए और बेहतर होती हुई नजर आती ओके बट यहाँ पर ये यह जो लाइन है ओके यहाँ पर बीच में बनी है इतनी गिरावट में नहीं हुई है डाउन डाउन ट्रेंड में नहीं हुई है बीच में हुई है तो शायद ये केवल इस लेवल को शायद कल इस लेवल को टच करे सोलह हजार एक सौ बासठ को टच करे उसके बाद ऊपर चली जाए बट अगर इस लेवल को यहाँ पर नीचे चली जाती गिरा देती है तो याद रखिए फिर इसके दोबारा वही लेवल जो यहाँ जहां से गिरा था तो ये इसका इंटैक्ट हो जाएगा तो अब चीजें यहाँ पर इस लेवल और इस लेवल ये दो जो ये जो लेवल दिखाई दे रहा है ओके okay. इन इस लेवल के बीच में यहाँ पर ये यह चीजें झूलती हुई नजर आएगी तो यहाँ पर एक अगर हम देखें यहाँ पर इस तरीके से ट्रेंड बना के ये चीजें निकल सकती है तो और इसके अलावा ये डबल टॉप भी बनता हुआ नजर आ रहा है अगर इसे क्रॉस कर दिया तो याद रखिए एक रैली होती हुई दिखाई देगी जो कि इसे सबसे पहले यहाँ पर और फिर यहाँ पर भी दिखाई दे सकती है तो दोनों साइड के हमें यहाँ पर लेने चलते हैं ना तो हम भगवान है ना आप भगवान है कोई भी भगवान नहीं है तो इसलिए कोई नहीं बता सकता कि कल क्या होगा बट हाँ हम अंदाजा लगा सकते हैं और अंदाजा कैसे लगाते हैं अंदाजा लगाते हैं जब नाइट में यहाँ पर जब मार्केट खुलेगी कौन सी डोजोन्स तो यहाँ पर आपको चीजें पता चलेगी कि यहाँ पर आपकी रैली हो सकती है कि नहीं क्यों क्योंकि क्यों डोजो की बात करें डोजो भी यहाँ पर बिल्कुल ही टॉप पर पे खड़ा हुआ है या तो यहाँ से चीजें नीचे गिरनी है या ऊपर जाके इस लेवल को तैतीस हजार के लेवल को यहाँ पर टच करने की कोशिश करेगा तो इसकी तरफ ध्यान देना है अब कल कोई क्वेश्चन उठा सकता है कि कल तो यहाँ पर डोजोन्स में यहाँ पर तेजी हुई थी तो यहाँ पर हमारा जो निफ्टी है वो क्यों नहीं भागा तो देखिये निफ्टी फिफ्टी में भी भागा था भागने के बाद यहाँ पर गिरावट हुई है ओके और लगभग फ्लैट ही बंद होता हुआ नजर आया ऐसी कोई सच यहां पर गिरावट नहीं हुई है और दूसरी बात जो उनके मार्केट में एक, आ, दो तीन दिन से जंप थी हमारे में एक ही दिन में अच्छी खासी टू पॉइंट ऑलरेडी देखी गई है तो ये चीजों को आपको समझना होगा ये सारे वैल्यूएशन सब चीजें एक साथ यहाँ पर जब माइंड में आप लाएंगे तो आपको चीजें समझ में आएगी तो, तो मॉर्निंग में ही जब ये इस लेवल को टच किया था वो चीजें समझ में आ गई थी कि यहाँ पर टच करके अब नीचे आ, आता हुआ दिखाई देगा तो यहाँ पर फ्लैट क्लोजिंग होती हुई दिखाई दी है तो इसी तरीके से जो टेक्निकल एनालिस होता है वो करके ट्रेंडिंग लाइन होरिजोटल लाइन ओके रेजिस्टेंस

ये ऊपर भागता हुआ दिखाई दिया और भाग के यहाँ पर क्या आया देखिए जो ये ये लाइन पर रेजिस्टेंस की लाइन थी इसी रेजिस्टेंस की लाइन पे यहाँ पर देखिए ऊपर ये निकल रहा है शेडो निकल रही है तो ये शेडो को यहाँ पर, पर इसने रेजिस्टेंस को टच किया टच करके यहाँ पर नीचे आता हुआ दिखाई दिया और नीचे भी कितना गिरा नीचे भी यहाँ पर नीचे यहाँ पर इसने जो इसकी सपोर्ट की थी इस पे ही आके रुक गया तो कल मार्केट में गिरावट होगी तो इसके नीचे जाएगा और जब नीचे जाएगा तो इसके लिए ये सपोर्ट बन जाएगा बट ऊपर के लेवल पे जब तक ये इस लेवल को नहीं निकालेगा ओके तब तक तेजी नहीं हो रही और जब तक ये इस लेवल को निकालेगा तो अगेन यहाँ पर जो ये लेवल है इसके लिए रेजिस्टेंस बनेगा फिर ये लेवल है ये इसके लिए रेजिस्टेंस बनेगा ये पूरा लेवल रेजिस्टेंस का, का है लेवल रेजिस्टेंस का तो याद रखिए अभी केवल पर रिजल्ट आ रहे हैं कुछ जिसके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं वो वो भागेगा जिसके बेकार आ रहे हैं गिरेगा और यहाँ पर कंसोलिडेशन के पूरे मूड में यहाँ पर नजर आता है और यहाँ पर शायद कंसोलिडेट करके थोड़ी बहुत चीजें फिर ऊपर जाती हुई दिखाई दे या फिर शायद और उसके बाद इस लेवल को अगर सपोर्ट को तोड़ा तो यहाँ पर नीचे भी जा सकती है इसके अलावा हम बात करते हैं निफ्टी मिड कैप की निफ्टी मिड कैप की अगर हम बात करें अगेन निफ्टी मिड कैप ने यहाँ पर देखिए इस लेवल को यहाँ पर आप देखेंगे इस लेवल को ही टच करके यहाँ पर टच किया और यहाँ से भागना शुरू कर दिया तो ये एक बेहतरीन सपोर्ट तो देखिए यहाँ सबको पता रहती है जब भी गिरावट होती है ना तो इसी लेवल को टच करके चीजें ऊपर जाती है अगेन यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर अभी देख अच्छी खासी यहाँ पर आप देखिए एक अच्छा खासा वो बनाता हुआ नजर आ रहा है शूटिंग आ, शूटिंग स्टार और यहाँ पर चीजें ऊपर नीचे आती हुई दिखाई दे रही है आ, तो यहाँ पर नीचे आ सकती है और कितना गिर सकता है उससे रिलेटेड हम बात करेंगे सत्ताईस छह सौ छत्तीस तक चीजें नीचे आ सकती है और इसे ऊपर जाने के लिए यहाँ पर भागना जरूरी है तो ये निफ्टी मिड कैप हो गया इसी तरीके से निफ्टी आई एक बार हम देख लेते हैं निफ्टी आई में किस तरीके से रैली आ सकती है यहाँ पर देखिए निफ्टी आई टी में भी इसी लेवल को टच करके नीचे आया तो यहाँ पर कहीं ना कहीं शूटिंग स्टार बनता हुआ नजर आया है तो यहाँ पर चीजें गिरावट में आ सकती है ये इसके लिए सपोर्ट है अगर इसे तोड़ा तो अगेन नीचे बट अगर इसे ऊपर जाना है तो इस लेवल को निकालना जरूरी है और ये इसके सारे के सारे रेजिस्टेंस बनेंगे इसी तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्सेस आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना कमेंट करना शेयर करना और जितना हो सके सपोर्ट करना सो थैंक यू सो मच कॉल प्लस